नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, जो डोंगर कॉलेज बीकानेर है, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर है, वहाँ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो आपने 4 वर्षीय बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए जो एग्ज़ाम दिया था, इनके मेरे वो भाई बहन जिन्होंने 12वीं के बाद पीटीटी का एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। 4 वर्षीय बीएड का रिजल्ट आ चुका है, अभी जारी हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे ptetdcb.com तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिएगा। सबसे पहले बता दूँ, 2 वर्षीय बीएड जो पीटीटी है उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है अभी तक, एक दो दिन में वो भी हो जाएगा। फिलहाल 4 वर्षीय बीएड का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको अपना रिजल्ट है वो चेक करना है। आपको अपना गूगल खोलना है या फिर आप क्रोम ब्राउजर खोल सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्च बार पे टिक करेंगे। जैसे ही सर्च हुआ है PTET DCP 2020, ऐसा का ऐसा आप लिखेंगे PTET DCP 2020, ये लिख के वेबसाइट है वो पीटीटी की ऑफिशियल है। आप क्या करेंगे, .com वाले पहली वेबसाइट जो देखिए फर्जी वेबसाइट, दूसरी बहुत मिलेगी, आराम से देखना है www.ptetdcb2020.com, यानी कि ऑफिशियल होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी जो पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद देखिएगा आपको रिजल्ट कैसे देखना है उसके बारे में बताएंगे। यहीं पे देखिए पीटीटी की वेबसाइट एक ही है, 2 साल और 4 साल दोनों के लिए एक ही वेबसाइट है। अगर आपके ये थोड़ा सा अगर खुलने में टाइम लेना, तो जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइड पे चले जाएंगे। डेस्कटॉप साइड पे जाएंगे तो आपका फटाक से खुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मोबाइल में नेटवर्क धीमा रहता है लेकिन डेस्कटॉप में थोड़ा तेज चलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है यहाँ पे, ये पीटीटी 2 साल वालों के लिए, देखिए क्लिक अप टू 2 ईयर कोर्स, तो 2 साल वालों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पे 4 साल वालों के लिए ये खाना है भाई, ठीक है, यहाँ पे इधर 4 साल वालों का है। तो 4 साल वाले यहाँ से आप इसको जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या मिलेगा, BA BEd, देखिए रिजल्ट BA BEd या BSc BEd 4 ईयर्स, ये आपका यहाँ पे रिजल्ट है वो क्या जारी हो चुका है। 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्स था PTET का BEd का, वो यहाँ पे आ गया है। तो आप इसके ऊपर क्या कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप टिक करेंगे, क्लिक करके इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो नई वेबसाइट है वो क्या हो रही है, खुल रही है। हालांकि अभी रिजल्ट जारी हुआ तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अब देखिएगा इसके अंदर थोड़ी सी, अभी देखिए यहाँ पे और थोड़ा अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट इंटीग्रेटेड 2020, देखिएगा ये आ रहा है रिजल्ट इंटीग्रेटेड 2020 आ रहा है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर टिक कर देना है, ठीक है, आराम से देखेंगे इसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक करना। थोड़ा धीमे खुलेगा क्योंकि रिजल्ट अभी जारी हुआ है, तो क्या है, लोड ज़्यादा होगा, लेकिन हो सकता है ज़्यादा लोगों को पता नहीं हो तो कुछ आपको फ़ायदा भी यहाँ से हो सकता है। तो हम इंतज़ार करेंगे तब तक हमारी ये वेबसाइट है वो खुल जाती है। देखिए काफ़ी टाइम हो गया ये वेबसाइट नहीं खुल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वर है वो सर्वर लोड है, ज़्यादा है, ज़्यादा कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे क्या रिजल्ट देख रहे। तो आप यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन बताया वहाँ पे जाकर टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए देखिए ये कॉलम खुल गया फाइनली। यहाँ पे आपसे क्या मांगेगा, इस कॉलम में आपसे यहाँ पे मांगेगा रोल नंबर, देखिएगा एंट्रेंस टेस्ट फॉर परी BA BEd BSc BEd 2020 सर्च बाय रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। आपके रोल नंबर क्या है एक बार देखिए, मेरे को तो कोई रोल नंबर याद नहीं है, लेकिन मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, क्या पता सही लग जाए तो रिजल्ट वो खुल जाएगा। बाकी इसके कुछ देखिए, अब ऐसे रिजल्ट लगा के आप क्या कर देंगे, जो भी रोल नंबर है लिख के यहाँ पे क्या प्रोसेड लिख देंगे, और प्रोसेड पे क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ी देर से यहाँ पे क्या पूरे का पूरा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट खुल जाएगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो साथियों इस प्रकार आप रिजल्ट देख सकते हैं, और जल्दी मिलेंगे कि इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है, आपका जो जिले का डाइट कॉलेज है वो आपको कैसे मिल जाएगा, नजदीकी कॉलेज है, मनपसंद कॉलेज है, वो कितने नंबर पर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से सभी कोशिश कीजिएगा और अपना रिजल्ट देखिएगा, और रिजल्ट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि आपके कितने नंबर आए। धन्यवाद।